राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। सुना आपने कैसे ये कथित धर्मगुरु राम भद्राचार्य खुलेआम कह रहा था कि राम को भजने वाला उत्तम होता है लेकिन चाम को भजने वाला चमार नीच होता है, यानी ये सरेआम चमारों को नीच कह रहा था। लेकिन अब इस मामले में जब बहुजनों ने राम भद्राचार्य की क्लास लगाई तो अब ये सफाई देता फिर रहा है, लेकिन सफाई देते देते झूठ भी बोल रहा है कि उसने तो ये कहा ही नहीं कि चमार नीच होते हैं। राम भद्राचार्य ने कहा कि उसकी जो टिप्पणी है वो जातिवादी नहीं थी और उन्होंने कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं उनका पूरा बयान आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। समाचार एजेंसी ANI को दिए बयान में वो कहते हैं, मेरा बयान जाति सूचक नहीं था। तुलसी भजन राम को चारों वर्ण चमार, चमार शब्द का अर्थ चमड़े का प्रेमी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार यानी चमड़े का प्रेमी है, राम का प्रेमी नहीं। वो जाति सूचक नहीं है, चमार शब्द जाति सूचक नहीं है, चमार शब्द वहाँ है और इसका प्रयोग भी वहाँ नहीं हुआ है, ये तो चरमकार का अपभ्रंश है। तो इस बयान में राम भद्राचार्य कह रहा है कि वो तुलसी की चौपाई सुना रहा था और उसने चमार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो चमड़े के प्रेमी चरमकार की बात कर रहा था, जो कि चमार शब्द का अपभ्रंश है। शब्दों की कारीगरी करने वाले राम भद्राचार्य को शायद लग रहा है कि वो अभी भी मनु के काल में जी रहा है और जैसा वो अपने मुंह से उगलेगा उसी को हर कोई मान लेगा, शब्दों की जलेबी उतारेगा और लोग उसको सच मान लेंगे। लेकिन वो भूल गए कि अब संविधान का राज है जहां ब्राह्मणों और चमारों में कोई भेद नहीं किया जाता। एक बार फिर सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए कि राम भद्राचार्य ने चमारों का अपमान किया है या नहीं। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है, वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। आपने खुद ही सुन लिया होगा कि कैसे इस कथित गुरु ने चमारों का सरेआम अपमान किया, लेकिन अब ये झूठ बोल रहा है कि उसने ऐसा नहीं बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार झूठ बोलने के बारे में, जो झूठ बोलते हैं उन लोगों के बारे में बयान दिया था जो राम भद्राचार्य जैसे लोगों पर एकदम फिट बैठता है। सुनिए मोदी ने क्या कहा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लेकिन ये इंटरनेट का दौर है, यहाँ ऑडियो वीडियो तस्वीरों के रूप में बयान अमर हो जाते हैं, वो डिजिटली अमर हो जाते हैं, जिसे अगर कोई चाहे तो भी मिटा नहीं सकता। इसलिए राम भद्राचार्य के कुकर्म अब इंटरनेट के समंदर में तैर रहे हैं, उसके पुराने बयान लोग निकाल कर ला रहे हैं और राम भद्राचार्य अपनी किसी भी दिव्य शक्ति से उन्हें श्राप देकर भस्म नहीं कर सकता, वो उसको मिटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। अब इंटरनेट की दुनिया में उसके पुराने पाप बयान कुकर्म सब निकल कर आ गए हैं। चमारों को नीच कहने वाला ये शख्स माफी मांगने की जगह कह रहा है कि उसने तो ऐसा कहा ही नहीं, जबकि उसका वीडियो वायरल हो चुका है और उसे कोई भी सुन सकता है। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है, वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। राम भद्राचार्य का असली नाम गिरधर है, जो यूपी के जौनपुर में पैदा हुआ था। 1950 में एक सरयूपारिण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, जो खुद को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता है। वो ये भी कह चुका है कि चौबे पाठक त्रिगुणायन और दीक्षित ब्राह्मण जो होते हैं वो नीच होते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। ब्राह्मणों में भी वो कई तरह की कहें कि सोपान बना दिया उसने, ऊंच नीच बना दिया है, इस तरह के बयान उनके वायरल हो चुके हैं। यूं तो संतों का काम समाज को सही रास्ता दिखाना होता है, आप सब जानते हैं कि संतों का जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि समाज को बेहतर बनाएं, लेकिन राम भद्राचार्य अक्सर समाज में नफरत फैलाने वाली बातें ही करते हैं। तमाम उनके बयान देखिए, वो कथा के दौरान प्रवचन कम और दलितों आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को ज्यादा कोसते हैं। वो कह चुके हैं कि अगर आरक्षण इसी तरह से मिलता रहा तो इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, दम है तो SC ST का आरक्षण खत्म करके दिखाओ। लेकिन यहां गौर करने वाली बात क्या है, ये बात यह है कि ये कथित संत राम भद्राचार्य सवर्णों को मिलने वाले सुदामा कोटा यानी EWS आरक्षण पर कुछ नहीं बोलता, जबकि उसकी जाति के लोग सबसे ज्यादा EWS का फायदा ले रहे हैं। वो इस बात पर भी नहीं बोलता कि जो ब्राह्मणों को जन्मजात आरक्षण मिलता है उसके बारे में एक शब्द नहीं वो बोलते।
वो ये नहीं कहते कि भाई सदियों से ब्राह्मणों ने मंदिर का पुजारी बनने, दक्षिणा लेने, धर्म कर्म के नाम पर अपना सब कुछ ले लेने का जो एक कोटा, विशेष कोटा उन्होंने ले लिया है, जन्मजात आरक्षण ले लिया है, वो खराब है। इस पर उनकी जबान नहीं खुलती, इस पर वो कुछ नहीं बोलते, उल्टे वो अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करते हैं। वो कह चुके हैं कि वो सन्यासी बाद में हैं और ब्राह्मण पहले हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग इंसान होने के भी काबिल नहीं होते। जो इंसान और इंसान में भेद करते हैं, आप उन्हें इंसान भी नहीं कह सकते। ऐसे लोगों के बारे में ही चमार जाति से ही निकले हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज ने कहा था, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब लग जात न जात। संत शिरोमणि रविदास महाराज कहते हैं कि जब तक जाति नहीं जाती तब तक आप इंसान नहीं बन सकते, तब तक आपका इंसान होना भी पूरे तरीके से सही नहीं है। और इस देश में, हमारे समाज में जाति इस तरह से है जो केतन के पात, यानी जैसे केले का पत्ता होता है, एक पत्ता उतारते जाओ दूसरा आ जाता है, फिर उसको उतारो तीसरा आ जाता है और अंत में वो अस्तित्व विहीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वो जाति को नहीं छोड़ता। इसी तरह से कह रहे हैं संत रविदास, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब लग जात न जात। तो राम भद्राचार्य ना संत बन सके और ना इंसान बन सके। यह एक बात का जिक्र करना और जरूरी है, चमारों को नीच कहने वाले राम भद्राचार्य दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित है, यानी वो देख नहीं सकते, और उनके दृष्टिबाधित होने को लेकर पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि ईश्वर ने आपको किन बुरे कामों की सजा दी है। दरअसल राम भद्राचार्य जैसे जो लोग हैं वो हिंदू धर्म में कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके पिछले जन्म के बुरे कामों की सजा अगले जन्म में भुगतनी पड़ती है। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिर भला राम भद्राचार्य ने किन कुकर्मों की सजा पाई है, उनको किन पापों की सजा मिली है कि वो जन्मजात अब उनकी दृष्टि चली गई थी, तो उस पर वो सवाल कर रहे हैं। मैं यहाँ साफ कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि दृष्टिबाधित लोग किसी भी मामले में वो कम हैं, वो समान होते हैं, लेकिन यहाँ ये राम भद्राचार्य की जो डबल स्टैंडर्ड मानसिकता है, जो कहीं की दोगलापन है, उसको दिखाने के लिए इसमें इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि शरीर में किसी तरह की बीमारी होना, देखने सुनने में या चलने फिरने में असक्षम होना, या किसी भी तरह से स्पेशली एबल्ड होना पूरी तरह से नेचुरल, एक्सीडेंटल या मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है, तो हम साफ कर दें, और इसका हमारे अच्छे बुरे कामों से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो खुद ही कहते हैं, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुमको क्यों सजा मिली। ब्राह्मणवादियों ने अछूतों और शूद्रों को यही कहकर सदियों तक तो गुलाम बनाए रखा था कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है जो तुम शूद्र कुल में पैदा हुए हो, यानी उन्होंने लोगों को जन्म मरण और पाप पुण्य के भ्रमजाल में फंसाकर गुलाम बनाए रखा, खुद मलाई खाई। इसलिए ऐसी सोच, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ऐसे लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि ऐसे आदमी को क्या कोई संत कह सकता है? क्या संतों की ऐसी भाषा होती है, और क्या संत यूं समाज में किसी जाति को लेकर इस तरह से जहरीली सोच जाहिर करते हैं? इस वीडियो के सामने के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये संत नहीं है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जो तमाम तरह के विवादों को जन्म देते हैं। उनके बयान आरक्षण को लेकर, विभिन्न जातियों को लेकर, विभिन्न जातियों के नेताओं को लेकर और राष्ट्रीय नेताओं को लेकर वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि अशोभनीय हैं और उनको लेकर विवाद होता रहा है। कोई व्यक्ति अगर लगातार संविधानेतर बातें करे, संविधान के विरोधी बातें करें, समाज में लगातार कटुता फैलाने वाली बातें करे, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और मेरा तो निवेदन है राम भद्राचार्य के आसपास के जो लोग हैं उनको समझाएं कि कृपया इस तरह की बयानबाजी न करें, अशोभनीय है, अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम संविधान विरोधी बातें तो न करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो राम भद्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। चमार जाति के बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो जगह जगह अपने इलाके में राम भद्राचार्य के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराएं। पुलिस को भी चाहिए कि इसके वायरल वीडियो की जांच कराए और राम भद्राचार्य के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ संतों के नाम पर कलंक हैं बल्कि वो समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष यानी नफरत भी फैला रहे हैं। इससे समाज में कटुता फैलती है। ऐसे लोगों पर, इसके बयान पर कि ये झूठ बोल रहे हैं साफ साफ, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।